हेलो वेलोशोज, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ ग्रेस फैशन फीचर इन शेयर। सो आज से रेगुलर व्लॉगिंग स्टार्ट है गाइज, आपको रोज़ मेरा चेहरा देखने को मिलेगा, एटलीस्ट फॉर अ मंथ तो दिखेगा ही दिखेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। मैं अभी अभी उठी हूँ एंड काफ़ी लेट उठी हूँ, आई वोंट टेल द टाइमिंग बट आई ट्राई टू इम्प्रूव कि मैं जल्दी उठूँ, बट मैं टाइम नहीं बताऊँगी। एनी वेज लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो, बहुत कुछ है दिखाने के लिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय मैम, मैम अब डेली व्लॉगिंग होगी तो आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा मेरे साथ। हम लोग करने वाले हैं योगा और मैम को मैं बहुत देर से वेट करा रही हूँ, सॉरी मैम, बट ठीक है, मैम हमारी अच्छी है, मैम आदत पड़ चुकी है वेट करने की, तो जल्दी से योगा स्टार्ट करते हैं। गाइज आई जस्ट कम्प्लीटेड द योगा। सो गाइज अभी मैं फ्री हुई हूँ, ये गीजर देख रहे हो आप, ये अभी गीजर बन रहा था, ये पूरा खराब हो चुका था, ठंड जाते जाते उसने मुझे परेशान किया दो तीन दिन से। और यहाँ से स्काईलाइन कितनी बढ़िया आ रही है यार। सो 5 बज रहा है और ये अभी तक गीजर नहीं सही हुआ, अब सही हुआ है थोड़ा बहुत जाके। सो नाउ गाइज आई एम कैजुअली ड्रेस्ड एंड प्रतीक का कॉल आया कि प्लीज शोरूम आ जाओ एंड हम लोग एक शूट करते हैं। शोरूम पे शूट नहीं करेंगे बट हाँ, आगे अभी आने वाले व्लॉग्स में बहुत अच्छा सा एक शूट प्लान कर रहे थे, सो उसके लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करने के लिए मैं शोरूम जा रही हूँ। ड्रेस्ड अप वेरी वेरी कैजुअली, मतलब बिना लिपस्टिक बिना श्रृंगार के मैं एकदम ऐसे जा रही हूँ शोरूम। मेरा पति इतने मोटे मोटे बिल लेके बैठे हैं, मोटे मोटे बिल लेके बिल से दिखाने होते ये सब चीजें नहीं दिखाने रात से। सो वेलकम निशी, वेलकम निशी टू योर ओन शोरूम आफ्टर सो लॉन्ग, बट जल्दी जल्दी कर दो बहुत लेट हो गया है। क्या आई हो तो सब कलेक्शन दिखा के जाओ ना। नहीं नहीं कलेक्शन देख के तो बड़ा वाला नहीं 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 तो वो शूट में देखेंगे, शूट में देखेंगे। तो तुम्हें कम से कम 50 पीस शूट कर लूंगे मैं। क्या बोलती है ये बनाते हैं 50 डेज चैलेंज फॉर सनमुख, सनमुख फैशन न्यू आउटफिट्स। हाँ, अगर मैक्सिमम ऑडियंस ने बोला है चीज, हाँ, हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये पक्का है फिर चैलेंज। पिंकी प्रॉमिस कर रही है मेरे साथ। हाँ, पिंकी प्रॉमिस। अभी मैं शूट के लहंगा सेलेक्ट करी थी, भाई क्या अमेजिंग कलेक्शन है, मतलब मजे आ गए, मजे, आई जस्ट कांट वेट टू शो यू। थोड़ा सा रश चल रहा था तो मैंने शूट नहीं किया बट इट वाज अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छे कलेक्शन है फैशन सनमुख में। गाइज मैं नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, किसी को भी शॉप करना है और लहंगा नहीं खरीदा है शादी के लिए, बिल्कुल फ्रेश कलेक्शन चाहिए, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। एंड जिनको फ्रेश फ्रेश शॉपिंग करनी है क्योंकि ये स्टॉक अभी अभी आया है एंड द कलेक्शन इज वाओ। तो गाइज अभी क्या हुआ, मैं यहाँ आई थी अपने फ्रेंड के पास और यहाँ पे एक आंटी मिल गई, कहती बिग फैन और बोलती है कि मैं अपनी डॉटर को बुला के लाती हूँ। एक्चुअली यार ये कितना अच्छा फील, भाई मतलब कार में बैठे फील सो गुड और बहुत ज्यादा बॉन्ड फील आती है, फिर वही लगता है कि आप सब जानते ही हैं, तो कहीं भी जाओ तो कोई अनजान जगह लगती नहीं है, नहीं लगती है। कहाँ हो तुम ढींगरा? हेलो मामा, इना की ट्रेसों में जो ट्रेसों हो गए, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, जुकाम का। तो तुम हाथ बात नहीं मिलाओ, दूर से हाय कर दो, हाय। अरे नहीं होता, इट्स नॉट भाई, इट इज लाइक दैट, हमें नहीं बनना है जुकाम का शिकार, आज हम तुम्हें अछूत की तरह ट्रीट करेंगे। यू विल नॉट गेट पॉजिटिव। सो गाइस आई वाज इन द मिडिल ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस एंड मैं एक बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग चीज़ लगती है, वो है दी स्टेन्स। लाइक उस दिन मैं चाय पी रही थी एंड टोश खा रही थी एंड ये गिर गया, एक ये है और एक ये है, वाइट बेडशीट पूरी अभी न्यू धुल के आई है, ये मेरे चांद के दाग मुझे हटाने हैं। सो मैंने कुछ मंगाया है, लेट मी सी इफ दिस वर्क्स और नॉट, ये वर्क करेगा तब मैं बताऊंगी आपको क्या प्रोडक्ट है। सो गाइज ये मैंने टी स्टेन्स भगाने की कोशिश की बट ये वाइट वाइट तो एक्स्ट्रा अलग से आ गया है, अभी गया नहीं है। मैंने ये अगर किया होता, मैंने ये दाग लगाए होते तो या तो वो दाग रहते या तो मैं रहता। चुप रहो, इतना नहीं है गाइस, मैं क्योंकि मुझे मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाता हूँ तो मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। मेरे जगह, मेरी जगह देखिए, मेरी जगह दिखाइए,
मेरी जगह पता क्या होती, अभी आज यहाँ पे कल चंद्रयान हो जाएगी। चीटिंग होती है मेरे साथ, प्लानिंग होती है ये, फिर यहाँ होने का बोलेगी तुमने गंदा कर दिया। चीटिंग ये मैं कभी नहीं करती, प्रतीक कब करा मैंने से। गंदगी वहाँ होती है और चक्कर यहाँ हो जाती है। गुगली कोई गुगली नहीं है, चुप रहो। गाइस डोंट बिलीव हिम। सो अब जो मैं लिक्विड ट्राई करी थी वो बिल्कुल भी काम नहीं किया। अगर आपको कोई बहुत अच्छा प्लीज टी रिमूवर, टी स्टेन रिमूवर का लिक्विड पता है प्लीज बता देना, बिकॉज मैं बहुत मतलब मेरे वाइट क्लोथ पे तो ग्रहण लगा होता है, हर बार कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो प्लीज 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 लेट मी नो। गाइस जस्ट फिनिश शूटिंग दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल साड़ी एंड यू कैन हेड टू माई इंस्टाग्राम टू सी द फुल लुक। एंड आज मैंने ना कुछ न्यू ट्राई किया है, आई हैव ट्राइड सम एक्सटेंशंस ऑन माई हेयर और कुछ मैंने हेयर एसेसरीज भी मंगाई है फॉर यू टू यू नो। अगर आप अभी मैरिज में जा रहे हो, आपके पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, हेयर स्टाइल बनाने के लिए कोई नहीं है, सो दीज थिंग्स कैन रियली रियली हेल्प यू। सो यहाँ पर काफ़ी ठंड हो रही है, हवा आ रही है डायरेक्टली, सो मैं अभी अपने रूम में चलती हूँ एंड देन आपको कुछ दिखाऊंगी। फिलहाल इतना लुक आप देख लो जितना आप आ रहे वीडियो में। सो दिस इज अ प्री स्टेज ड्रेप साड़ी एंड फॉर इफ यू वॉन्ट परचेज दिस, मैंने फैशन सन्मुख मतलब अपने शोरूम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में एंड नंबर भी दे दिया है, आप कॉल करके क्वेरीज पूछ सकते हो। ऐसे बहुत सारे पैटर्न आए हुए हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग दिस साड़ी इज अमेजिंग। इसका बैक है, इसमें और भी कलर्स है, आई डोंट नो अभी अवेलेबल है कि नहीं है। ये मैंने ली थी अभी किसी रिसेंटली मैरिज में पहनने के लिए, बट बहुत ठंड थी सो मैंने नहीं पहना। सो गाइस मैं रूम में आ गई हूँ एंड मेरे पास सारा सामान आ गया जो आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये बन देखो गाइस, जस्ट लुक एट दिस बन। तो ये बन मैंने इस जोड़ी के ऊपर लगाया है, ये तो ये जोड़ा जैसे कि बहुत लोगों को अनटाइडी लगता है, कुछ अच्छे से फॉर्म नहीं होता है, सो दिस इज जस्ट पुट इट लाइक दिस एंड यू गुड टू गो। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही। सो आगे से फ्लिक्स निकाल लो, इयररिंग्स पहन लो, लॉन्ग लो, एंड लुक वेरी वेरी प्रेजेंटेबल। ओके सो दूसरी चीज जो मैंने मंगवाई है वो ये है, सो आई गेस दिस इज फॉर एडिंग वॉल्यूम टू योर हेयर। मैंने ये खुद भी ट्राई नहीं किया है, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज अ लाइट ब्राउन, तो काफी मेरे बालों से मैच हो रहा है, देखो एग्जैक्ट मैच हो रहा है गाइस, जस्ट लुक एट दिस। तो लेट्स अप्लाई एंड सी दिस, आई एम क्वाइट एक्साइटेड। इसको पहले थोड़ा सा सुलझा लेते हैं एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है, लाइक आई लव द क्वालिटी ऑफ दिस। इसको हाथ से थोड़ा बहुत सुलझा लेती हूँ। गाइस बाल झड़ रहे हैं इसके, इतने तो मेरे भी नहीं झड़ते हैं। एनीवेज इसकी ये क्लिप्स हैं जो अटैच करनी होती है पीछे, लेट मी सी हाउ इट लुक्स। सो गाइस मैंने अपने बालों को हाफ में स्प्लिट कर लिया है, यहीं से मैं एक छोटा सा बन टाइप बना लूंगी। सो गाइस ये चार क्लिप्स थे, मैंने चारों क्लिप्स ऐड कर दी हैं एंड मैं इसको खोल लूंगी। नकली चीजें इतनी अच्छी हो गई कि असली मतलब मजे ही नहीं आएंगे फिर। बहुत अच्छा है गाइस, यू कैन सी द वॉल्यूमिनस हेयर एंड आगे से भी वॉल्यूम आ ही गया है थोड़ा बहुत। दिस इज रियली रियली नाइस, आई मीन आप देख रहे हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं बाल, एक्चुअली सो गुड गाइस। अब मेरे को देखना है कि इसको उतारने में कितने लाले पड़ते हैं, पर उससे पहले
थोड़ी बहुत हेयर स्टाइल भी हम ट्राई कर लेंगे क्योंकि मैंने कुछ और हेयर एक्सेसरीज भी मंगाई हैं. सो लेट मी ओपन एंड शो इट टू यू. लेट्स चेक आउट क्या है. ओ वाओ. सो गाइज ये मैंने चोटी में बांधने के लिए पिन्स ऐसे ऐसे लगाए थे. बहुत अच्छा लगता है, मैंने देखे हैं काफ़ी पिन्स होते हैं. सो ये मुझे 6 मिले हैं. कभी गाइज आपको लिंक चाहिए आप प्लीज़ मैंशन कर देना एंड आई विल सेंड द लिंक टू यू. सो अब इसी बाल की चोटी भी बनाते हैं. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी. ऐसे पहाड़ी के बाल इतने हेवी लग रहे हैं. बहुत ही लाइक बहुत ही स्लाइड वाली बनाऊंगी. गाइस देखो कितनी मोटी चोटी बन रही है भाई. लुक एट दिस. मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई कितनी मोटी चोटी बनी है इसकी. आप देख सकते हो भाई मुझे बहुत मजे आ गए यार. इतने मोटे वाले की जिंदगी भी नहीं हुए. लिटरली मजे आ गए. इसको इससे फॉर द टाइम बीइंग बांध लेते हैं. हम कोई भी अच्छा ट्रांसपेरेंट वाला हेयर रबर बैंड भी ले सकते हैं. पर इसका ये ड्रॉबैक था कि जो हेयर एक्सटेंशन है ना बहुत झड़ रहा था. इसको बाहर की तरफ लगाएंगे गाइस. देखो कितना प्रिटी लग रहा है कितना ज्यादा. अगली लोहड़ी में हम लोग डेफिनेटली यू नो ट्राई दिस. तो गाइस अब इसको उतारने का टास्क स्टार्ट होता है. बट हाँ आई विल गिव यू द जेन्युइन रिव्यू क्योंकि मैं फर्स्ट खुद पहन रही हूँ. ओपन कर देते हैं इसको. जैसे मैंने पहना था मैं उसी वे में ही इसको निकालने की कोशिश करूंगी. मुझे एक अच्छी चीज मिल गई है टू फॉर माय शूट्स. एंड बेस्ट पार्ट इज कि बहुत इजीली भी निकला है. गुड वॉल्यूमिनस हेयर देना है आपको. सो दिस वर्क्स रियली रियली वेल. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. होपफुली आपने एंजॉय किया. मैंने तो बहुत एंजॉय किया. मुझे दो अच्छी अच्छी चीजें मिल गई. एक था वो विग, दूसरा ये हेयर बन. मेरे तो बहुत काम की चीज़ें हैं. आपको भी और वीडियोस ऐसे चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल कीप कमिंग बैक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय पीपल.